सब्सक्राइब करें हमारे youtube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवली सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन gncet ऑफ दिल्लीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर 34 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक मोनोमियल्स बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स इक्वल एंड अन एकवल टर्म्स इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं सो so आपको तो याद है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान रहे हैं कि एलजैब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं उनमें कांस्टेंट होता है उनमें वेरिएबल होता है और ये जो आज मैंने अभी टर्म्स बोले ये भी होती हैं आखिर ये क्या होती हैं लेट्स अंडरस्टैंड सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी प्रिया एंड रिया टू ट्विंस वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे प्रिया और रिया जो कि जो, जो जुड़वा बहनें हैं वो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं

एंड इरेज़र पैकेट्स इन अ बैग उनकी मम्मी ने बहुत सारे पेन pen, पेंसिल और इरेजर के पैकेट बैग में एक डाल के रखे द स्पेशलिटी ऑफ दोज पैकेट वॉज दैट द प्राइज ऑफ अ पेन वॉज एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स व इन दैट पैकेट यानी कि इस पैकेट की स्पेशलिटी क्या थी इस बैग की स्पेशलिटी इसमें देखिए जितने प्राइस का एक पेन था उतने ही पेन एक पैकेट के अंदर थे याद रखिएगा जितने प्राइस का एक पेन और उतने ही पेन एक पैकेट के अंदर थे सिमिलरली द प्राइज ऑफ अ पेंसिल वॉज एज मच एज द नंबर ऑफ पेंसिल्स पर इन दैट पैकेट एंड द कॉस्ट ऑफ अ इरेजर्स वॉज ऑल्सो एज़ मच एज द नंबर ऑफ इरेजर वर इन दैट पैकेट सिमिलरली पेन की तरह पेंसिल्स भी जितनी कीमत जितनी वैल्यू एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल एक पैकेट में थी और जितने इरेजर का प्राइस एक प्राइज एक इरेजर का प्राइस जितना था उतने ही इरेजर एक पैकेट में थे नाउ प्रिया ओपन सम पेंसिल पेन एंड इरेजर पैकेट्स एंड मिक्स देम इन अ सेम बैग एंड रियाज मदर क्लोज हर आईज एंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट्स टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द बैग तो देखिए क्या हुआ प्रिया ने कुछ पेंसिल पेन और इरेजर के पैकेट खोले और उनको मिक्स करके उसी बैग में मिला दिया अब रिया की मम्मी ने तो आंखें बंद कर रखी थी और वो उन्होंने गिफ्ट देना बच्चों को शुरू कर दिया देन प्रिया गॉट अ मैथमेटिकल गेम एंड शी सेड तब प्रिया को एक खेल सूझा मैथमेटिकल खेल और उसने कहा क्या कहा लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स यानी एक पेन की कीमत हम मान लेते हैं एक्स है देन द प्राइज ऑफ द पैकेट ऑफ पेन विल एक्स स्क्वेर तो जो एक पैकेट में एक पूरे पैकेट का जो प्राइस होगा वो एक्स स्क्वेयर होगा कैसे क्योंकि हमें ये पता है बिकॉज द प्राइज ऑफ वन पेन इज़ एज मच एज नंबर ऑफ पेन इन अ पैकेट यानी अगर हम मानते हैं एक पेन की कीमत एक्स है तो उतने ही पेन उसके अंदर हैं तो हम ये मान लेते हैं उसको भी हम एक्स मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि उस पेन के अंदर कितने उस पैकेट के अंदर कितने पेन हैं तो उसको भी हम एक्स मान लेते हैं लेट सपोज एक्स तो पूरे पैकेट की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी एक्स स्क्वेयर अब आप समझिए सिमिलरली लेट द वैल्यू ऑफ वन पेंसिल बी वाई देन द प्राइज ऑफ अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स विल बी वाई स्क्वेयर जैसे अभी मैंने आपको एक्स स्क्र के बारे में समझाया बिकॉज द प्राइज ऑफ वन पेंसिल इज एज मच एज द नंबर ऑफ पेंसिल इन वन पैकेट एंड सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज इक्वल टू जेड so the price of the eraser packet will be z square because the price of one eraser is as much as number of erasers in a packet ab aap samjhe ki is tarah se humne ek packet pen एक packet pencil और एक packet eraser की value निकाल ली और एक pen एक pencil और एक eraser की भी value निकाल ली है so अब हम देखते हैं आगे तो देखिए फिर क्या हुआ माला received क्योंकि उसकी मम्मी ने तो आंखें बंद कर रखी थी तो माला को मिले फोर पेन पैकेट्स प्लस टू पेंसिल्स थ्री इरेजर पैकेट्स अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म में चेंज करें तो एक पेन की पैकेट uh, की क्या कॉस्ट थी एक्स स्क्र तो फोर पेन पैकेट्स कितने हो जाएंगे फोर एक्स स्क्र एक पेंसिल की कास्ट uh, क्या थी वाई तो टू पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी टू वाई प्लस थ्री इरेजर एक इरेजर की कॉस्ट सॉरी थ्री इरेजर पैकेट्स तो एक पैकेट की जो कॉस्ट थी वो थी z स्क्र तो थ्री रेजर पैकेट्स की कॉस्ट क्या होगी थ्री जेड स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा स्क्वायर लगाइएगा यहाँ पे अब ये किस टाइप का आ, टर्म बना तो देखिए ये बना पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल अभी आगे हम समझेंगे भी क्योंकि इसमें टू से मोर देन टू टर्म्स हैं वन टर्म टू टर्म एंड थ्री टर्म जब मोर देन टू टर्म्स होती हैं तो उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं क्या कहते हैं पोलिनोमियल याद रखिएगा देन श्वेता रिसीव्ड टू पेंसिल्स लेस फ्रॉम फोर पेंसिल पैकेट्स तो चार पेंसिल पैकेट से उसे दो पेंसिल कम मिली तो पहले चार पेंसिल पैकेट की वैल्यू निकालेंगे फोर वाई स्क्वेयर क्योंकि वन की वाई स्क्यर थी तो फोर पेंसिल पैकेट फोर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्योंकि two, दो दो पेंसिल थी एक वाई एक पेंसिल की जो कॉस्ट थी वो वाई थी तो टू पेंसिल हो गई टू वाई अब इसमें देखिए टू ही टर्म्स हैं एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म जिसमें टू टर्म्स होती हैं उसको हम बाए कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल उसको हम बाए कहते हैं जिसमें टू होती हैं देन शाम रिसीट फाइव इरेजर पैकेट्स एक इरेजर पैकेट की कॉस्ट थी जेड स्क्वेयर तो फाइव की हो गई फाइव जेड स्क्वेयर अब इसको हम किस टाइप का टर्म कहते हैं इसको हम कहते हैं मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है और कोई टर्म नहीं होती थ्री टू एंड वन टू से ज़्यादा पॉलीनोमियल टू टर्म्स वाले uh, को हम कहते हैं क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बायनोमियल और वन टर्म वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं मोनोमियल देन पूजा रिसिव थ्री पेंस प्लस फाइव पेंसिल प्लस सिक्स इरेजर्स तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा थ्री एक्स क्योंकि पेन वन पेन इज़ एक्स तो देन थ्री एक्स फाइव वाई प्लस सिक्स जेड और इसमें क्योंकि थ्री टर्म्स हैं इसलिए टू मोर देन टू हैं सॉरी थ्री नहीं मोर देन टू हैं तो पॉलिनोमियल फिर देन गीता रिसीव टू पेन पैकेट्स प्लस थ्री पेन्स प्लस फाइव इरेजर्स तो उसको पेन पैकेट मिले कितने मिले यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा थ्री टू पेन पैकेट्स मतलब टू एक्स स्क्वेयर फिर थ्री पेन्स मिले तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री एक्स x आएगा यहाँ पे देन फाइव इरेजर देन फाइव जेड और इसमें भी थ्री टर्म्स हैं मोर देन टू हैं क्योंकि इसलिए पॉलिनोमियल देन विकास रिसिव थ्री पेंसिल पैकेट्स तो वन पेंसिल पैकेट इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर थ्री पेंसिल पैकेट इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वेयर और इसमें क्योंकि वन टर्म ही है इसलिए मोनोमियल देन दीपक रिसीव नाइन पेंसिल्स तो नाइन वाई प्लस थ्री इरेजर पैकेट्स प्लस थ्री जेड स्क्वेयर और क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं तो टू टर्म्स वाले को कहते हैं बाइनोमियल। अब आप समझें कि हम कैसे टाइप बताते हैं पॉलिनोमियल एंड मोनोमियल वन टर्म मोनोमियल टू टर्म्स बाइनोमियल, थ्री मोर देन टू टर्म्स पॉलिनोमियल इन दिस वे वी कैन से दैट एनी वेरिएबल कम्बाइन इट्स मल्टीपल्स टू फॉर्म टर्म्स यानी किसी वेरिएबल को उसके मल्टीपल के साथ कंबाइन करने पर हमें टर्म्स मिलती हैं जैसे फोर फोर एक टर्म है 2y एक टर्म है थ्री जेड एक टर्म है इस तरीके से हम इसको करते हैं फिर आगे क्या लिखा है आगे लिखा है मोनोमियल अभी जो हमने समझा द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है मोनोमियल बाइनोमियल द एक्सप्रेशन विच टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल तो दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हैं और जिसमें द एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल तो ये है पोलिनोमियल क्योंकि इसमें टू से ज्यादा टर्म्स हैं देन लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स क्या होते हैं एनी टू और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स याद रखेगा जो दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल होता है अगर वाई है तो वाई ही होना चाहिए तो वो हम उसको बोलेंगे लाइक like टर्म्स अगर वाई स्क्वेयर है तो आगे भी उसके साथ वाई स्क्र ही होना चाहिए तभी हम उसको लाइक like टर्म कहते हैं अनलाइक टर्म्स द टर्म्स विच आर नॉट द सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स यानी जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते मान लीजिए जैसे टू एक्स स्क्वेयर जैसे ये वाला हो गया टू एक्स स्क्वेयर थ्री वाई प्लस जेड इसमें सारे ही अलग अलग वेरिएबल हैं तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया और यही हमारा क्वेश्चन नंबर वन भी है क्वेश्चन नंबर वन इज फ्रॉम द टेबल राइट फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स अब आपको इस टेबल में से फाइव लाइक like टर्म्स के एग्ज़ाम्पल लिखने और फाइव अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल लिखने सो लेट्स सी देखिए लाइक टर्म्स क्या है जैसे मैंने बताया सेम वेरिएबल होना चाहिए फोर एक्स स्क्वायेयर टू एक्स स्क्र थ्री जेड स्क्वायर फाइव जेड स्क्वायर टू वाई थ्री वाई नाइन वाई सिक्स जेड फाइव जेड इस तरह से आप इनको लिखेंगे ये लाइक like टर्म्स हैं एक जो एग्ज़ाम्पल रह गया वो आप अपने आप से लिखेंगे अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं जिसमें एक भी वेरिएबल एक जैसा नहीं होता थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स जेड तीनों अलग अलग हैं टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड तीनों अलग अलग हैं नाइन वाई प्लस थ्री जेड स्क्वेयर दोनों अलग हैं फोर एक्स स्क्र टू वाई प्लस थ्री जेड स्क्वेयर तीनों ही अलग हैं तो जब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं टर्म्स में तो उसको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टू विकास गेव रुपीज़ फिफ्टी वन एज अ गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच उसने ईच दिया दोनों को बराबर दिया तो जब दोनों को बराबर दिया है देन क्वेश्चन नंबर वन इज आर दीज ऑल्सो पोलिनोमियल जब दोनों ही बराबर हैं अलग अलग कुछ है ही नहीं तो ये इसका आंसर आएगा नो कैन इट ऑल्सो बी रिटर्न एज अ पॉलिनोमियल जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो हम उसको लिख भी नहीं सकते पॉलिनोमियल की तरह नो एंड इफ यस देन हाउ इट कैन बी रिटर्न तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो no. हम उसको लिख ही नहीं सकते ओके सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए एंड इफ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वी आर मास्क और जब भी पॉसिबिलिटी हो जब भी अवेलेबिलिटी हो वैक्सीन हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच